कोई चाहता है कि उसका जीवन आनंद से भरपूर हो। अलग-अलग लोग आनंद के लिए अलग-अलग मार्ग का चयन करते हैं, इसलिए उनका जीवन अलग-अलग तरह से विकसित होता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आनंद को अपने विशालतम रूप में सारी ऊंचाइयों और सारी गहराइयों तक आप महसूस करें। आप न केवल खुश रहें बल्कि खुशहाल भी हों। आनंद की खोज यूं तो हजारों साल पुरानी है, लेकिन हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो आनंद के आधुनिक विज्ञान, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी कहलाता है, यह एक विज्ञान है, इसके आधार पे हम बात करेंगे। आनंद के पांच तत्व हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के अनुसार। आनंद के पांच तत्व या एलिमेंट्स हैं। पहला तत्व है पॉजिटिव इमोशन या सुख की अनुभूतियां। दूसरा जो तत्व है वो है एंगेजमेंट या फ्लो। इसको हम कह सकते हैं किसी काम में गहरे डूब जाना, तल्लीन हो जाना। आनंद का तीसरा तत्व है रिलेशनशिप्स, संबंध, मानवीय संबंध, आत्मीय संबंध। चौथा मीनिंग, जीवन का अर्थ क्या है, मायने क्या है, आप किस लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं। और पांचवा अकम्प्लिशमेंट अर्थात उपलब्धि या उपलब्धियां। आइए इनके विषय में एक एक करके चर्चा करें। पहला तत्व पॉजिटिव इमोशन या सुख की अनुभूति। ज्यादातर लोग इसी को आनंद मानकर बैठ जाते हैं, तो एक आनंद का एक लिमिटेड, एक संकीर्ण रूप ही उनके सामने आता है जीवन में, और वो आनंद को अपने पूरे विशालतम आयाम में महसूस नहीं कर पाते हैं। सुखानुभूतियां क्या हैं? हमारी जो इंद्रियां हैं उनके सुख, सुस्वादु भोजन या जो भी हमारी जीभ को अच्छा लगे, कर्णप्रिय संगीत, विहंगम दृश्य, अच्छी जो सुगंध है, और हमारे शरीर को जो भी सुख दे सकता है। जो व्यक्ति इस तरह के आनंद के पीछे ज्यादा भागते हैं वो जीवन में सारी सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने को ही आनंद मानते हैं। आलीशान घर हो, उसमें सारी सुख सुविधाएं हो, एक शानदार गाड़ी हो, और जीवन में जो भी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, जिस तरह के भी आप आनंद कर सकते हैं, उसमें आप डूबते जाते हैं। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है या इसमें कुछ बुराई है। ये भी आवश्यक है। जीवन में जब तक सुख सुविधा नहीं होगी तब तक हम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। एक मिनिमम लेवल सुख सुविधा का चाहिए,
अगर कोई व्यक्ति रोटी कपड़ा और मकान इनकी ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाता है तो बहुत तनाव और दुख से होकर गुजरता है। तो एक लेवल तक इन सुविधाओं की हमको आवश्यकता है। हमारा जो समाज है, हमारे जो स्कूल हैं, वो भी हमको सिखाते हैं कि जीवन में ये सब आपको प्राप्त करना है, लेकिन अगर यहीं तक हम रह जाते हैं तो आनंद के पूरे स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इसलिए हम चलेंगे दूसरे तत्व की ओर, जो है कि एंगेजमेंट फ्लो या किसी कार्य में गहरा डूब जाना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग खेल में, संगीत में या अपने काम में भी इतना गहरा डूब जाते हैं, इतना डूब कर उस काम को करते हैं कि उनको समय का भी अनुभव नहीं होता है कि कितना समय हो गया है। जो कष्ट हो रहा है उन्हें उसका भी अनुभव नहीं होता है, पर वो चाहते हैं कि उस कार्य को श्रेष्ठतम ढंग से करें। उसके लिए वो मेहनत करते हैं, अपने कौशल विकसित करते हैं और उस क्षेत्र में आगे जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शतरंज खेल रहा है तो उसका पूरा ध्यान अपनी चालों पर होता है, उसको आजू बाजू के वातावरण से कुछ लेना देना नहीं। अगर कोई खिलाड़ी किसी खेल में डूबा हुआ है या बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें बाकी दुनिया की फिक्र नहीं होती है। इसी तरह से किसी भी तरह की कला, मान लीजिए संगीत है, नृत्य है, चित्रकारी है, इसमें जो कलाकार डूबता है वो पूरी तरह से डूब जाता है। तो इसको कहते हैं फ्लो, कि सब कुछ भूलकर किसी गतिविधि में लग जाना। तो इससे जो आनंद प्राप्त होता है वो हमारे पुराने विद्वान कहते थे कि जो हमने अभी पहली तरह का आनंद बताया ये उससे गहरा है। मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, इससे गहरा है। तो यदि आप कोई ऐसी गतिविधि चुनते हैं अपने लिए, हर एक को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, उस गतिविधि में गहरे डूबना है। गहरे डूबकर जितना आप उसमें सिद्धि प्राप्त करते जाएंगे और डूबते जाएंगे, एक अलग ही तरह का आनंद आपको प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं से आनंद जो मिलता है उसकी एक सीमा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तीसरा तत्व है रिलेशनशिप्स, और ये शायद हम मानवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एक चीज को कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आत्मीय संबंध, मानवीय संबंध, हमारे परिवार के लोगों से, हमारे मित्रों से, हमारे कुछ मित्र ऐसे होने चाहिए जिनसे हम हर तरह की बात कर सकें। तो ये संबंध जब आप बना लेते हैं, उसमें समय देते हैं, अपने मित्रों के साथ उठते बैठते हैं, तो आपका जीवन आनंद की एक और ऊंचाई को छूता है। अलग थलग रहने वाला इंसान उतना खुश नहीं रहेगा। कम से कम आपके 3-4 तो अच्छे मित्र हों जिनसे रात बेरात किसी भी समय हर विषय पर आप बात कर सकते हैं, और आप परिवार के साथ पूरी तरह से जुड़ के रहिए। सब तरह के सुख दुख में परिवार से भी अलग नहीं रहना है। आनंद का चौथा तत्व जो है ये और भी गहरा है। जीवन का अर्थ, मीनिंग, जीवन का मायने क्या है। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि इस छोटे से जीवन से भी बड़ा कुछ है क्या। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ हम धर्म या आध्यात्मिकता के बारे में ही सोचें। किसी भी अच्छे कार्य से हम जुड़ सकते हैं, जैसे पर्यावरण की चिंता, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो गरीब बच्चे या महिलाएं या गरीब लोग हैं जिनको ठीक से खाना मुहैया नहीं होता है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। या यहां तक कि पशुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, पक्षियों का संरक्षण,
इस तरह की किसी भी एक गतिविधि से हम जुड़ जाएं, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं दिल से, और उसके लिए हम पूरा जीवन समर्पित कर दें, आध्यात्म के लिए, धर्म के लिए। आज जिस परिभाषा से धर्म को देखा जाता है वो धर्म नहीं, सच्चा धर्म। पर्यावरण, गरीब, कोई भी अच्छा काम आप ले लें, उनके लिए काम करें, तो जो आपको जीवन में दिशा मिलेगी, ये समझ में आएगा कि हमारा जीवन जो हम देख रहे हैं आसपास उससे बढ़कर है, हम किसी उच्चतम अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, जीवन का कोई मीनिंग बन रहा है, कोई मायने निकल रहा है। अगर जीवन का कोई मायने नहीं है तो आप बीच बीच में निराश होंगे, आपको लगेगा ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। और जो अंतिम तत्व बताया गया है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, वो है अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धियाँ। उपलब्धियाँ ऐसा आवश्यक नहीं कि बहुत बड़ी उपलब्धियाँ, पर जीवन में अलग अलग जो स्टेजेस आते हैं आपके जीवन के, उसमें कुछ ना कुछ आप एक गोल निर्धारित करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, उसको पाने का प्रयास कर लीजिए, और वो जब लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको खुशी होती है। फिर आप अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए थोड़े बड़े लक्ष्य को रखिए। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे और आपकी उपलब्धियां नहीं होंगी, तो जीवन में आनंद की कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो हमने आपको 5 तत्व बताए। पहला पॉजिटिव इमोशन यानी सुखों की अनुभूति, भौतिक सुख। दूसरा एंगेजमेंट या फ्लो, किसी चीज में गहरे डूब जाना। तीसरा रिलेशनशिप्स, आत्मीय संबंध, गहरे संबंध, लोगों के एकदम नज़दीक होना और लोग आपके नज़दीक हों। मीनिंग, जीवन का मतलब क्या है, किसके लिए आप जी रहे हैं, कोई तो ऐसी वजह हो जिसके लिए आप सोचते हो और समय देते हो, भले ही सप्ताह में एक दिन समय दें, एक घंटा समय दें, पर उसके बारे में कुछ सोचें। और आखिर में अकम्प्लिशमेंट या उपलब्धियां, कुछ ना कुछ लक्ष्य अपने निर्धारित करिए जीवन में, अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर आपकी रुचि हो, और उनको प्राप्त करते जाएं। तो ये 5 रंग हैं जीवन के, हम इनमें से किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि ये 5 रंग जब आपके जीवन में होंगे तो आपका जीवन आनंद से अधिक भरपूर होगा। एकांगी आनंद अगर सुखानुभूति से या किसी और तत्व से आप प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं संतुलन नहीं बनेगा। तो 5 रंग हमने आपको दिए हैं, अब आपको अपने आनंद का निर्माण खुद करना है। एक जीवन का बड़ा सा कैनवस आपको दिया है, उसमें ये रंग भरिए, उनका आपस में संतुलन अच्छे से करिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों का महत्व है, और उसमें दूसरे तत्व भी लाइए, अपने जीवन को आनंद से भरा पूरा कीजिए। आप न केवल खुश रहें, क्षणिक खुशी तो हर किसी को मिल जाती है, लेकिन जीवन भर की एक लंबी खुशी आपको मिले, और आप खुशहाल हों, और आपके आसपास और आपके अंदर भी आपको हमेशा आनंद की अनुभूति हो। आप किसी अच्छे कार्य से जुड़े हों, किसी काम में डूबे हों, और आपके मित्र और परिवार, उनके साथ संबंध अच्छे हों, आप अपने लक्ष्यों को निरंतर प्राप्त करते जाएं, और जीवन के जो सुख सुविधाएं उनको भी आप अनुभव करिए। यही हमारी कामना है, खुश रहें, खुशहाल हों।